ना प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल का क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि हम उसे जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। आज तो हमको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है सबका मैक्सिमम केसेस में, वायरसेस में आरएनए होता है ना। व्हाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, क्यों डीएनए हुआ आरएनए नहीं हुआ? सो कुछ प्रॉपर्टीज होना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल का, अगर वो सब प्रॉपर्टी है तो ही उसे हम जेनेटिक मटेरियल कंसिडर करेंगे। सो पहला है कि आपका इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब एक से अपना दूसरा कॉपी बनाना पड़ेगा, एक से डुप्लीकेट होना पड़ेगा, मतलब अपने आप को डुप्लीकेट करने का पावर होना पड़ेगा। सो इसमें तो दोनों जीत गए, डीएनए और आरएनए दोनों हैं, तो इससे कोई बात नहीं। प्लस दूसरा क्या होना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़ की, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना पड़ेगा। और इस केस में हमारा बाजी मार गया डीएनए, क्योंकि हमको पता है आरएनए लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि आरएनए का 2 डेज पोजिशन में शुगर में ओएच ग्रुप होता है जो कि काफ़ी रिएक्टिव होता है। ऑल्सो आरएनए में हमारा यूरासिल प्रेजेंट होता है जो इसको और थोड़ा लेस स्टेबल बनाता है, और डीएनए में यूरासिल का बदली क्या होता है? थायमिन। तो यहाँ थोड़ा बाजी मार गया मेरा डीएनए इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, आरएनए थोड़ा लेस स्टेबल हो गया। जो भी जेनेटिक मटेरियल हो, वो जो भी हो, उसका प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि वो आपका स्लो चेंजेस म्यूटेशन करवाए, मतलब ठीक है, शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन होगा तो ही वेरिएशन आएगा, ठीक है, तो स्लो चेंजेस होना चाहिए। तो इसमें भी डीएनए बाजी मार गया, क्यों? क्योंकि डीएनए म्यूटेशन तो होता है बट स्लोली। आरएनए क्या होता है? आरएनए अंडरगो वेरी फर्स्ट म्यूटेशन। अभी कोरोना वायरस को देखो, ये स्ट्रेन डेल्टा वायरस, अल्फा स्ट्रेन, डेल्टा स्ट्रेन, बीटा स्ट्रेन, इतना म्यूटेशन क्यों हो रहा है, इतना स्ट्रेन क्यों बन रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेशन करता है, ठीक है, तो इसलिए आरएनए भी आपका ये भी एक कारण है जिसके वजह से आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि बहुत फास्ट म्यूटेशन हो जाता है। अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता तो आज इंसान ने पता चला परसों ही कुछ और बन गया, परसों यहाँ से सिंग निकल गया, पता चला इधर से दांत निकल गया, ऐसा म्यूटेशन हो गया, ठीक है। सो जेनेटिक मटेरियल का म्यूटेशन का स्कोप होना चाहिए बट स्लो, ठीक है, आरएनए फर्स्ट करता है तो इसमें भी बाजी मार गया डीएनए। प्लस इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर मतलब क्या? मेंडेल ने क्या बोला? कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय फैक्टर्स, जिसे हम जीन बोलते हैं। और जीन क्या है? जीन इज ए फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, जो आपका आरएनए बनाएगा, आरएनए बनाकर प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। सो इसमें भी हमारा आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसमें भी मेरा डीएनए बाजी मार गया, ठीक है। सो इस सबसे हमको पता चलता है कि डीएनए बीइंग मोर स्टेबल देन आरएनए इज़ बेटर फॉर स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज करने के लिए बेटर है, क्योंकि केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है, स्लो म्यूटेशन होता है, मेंडेलियन फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, ठीक है। सो इन कोर्स ऑफ टाइम डीएनए बेटर है, ठीक है, फॉर स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। बट अगर ट्रांसमिशन का बात करें, इन्फॉर्मेशन का एक्सप्रेस करने का बात करें, तो आरएनए बेटर, क्योंकि आरएनए से ही आपका प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बता दिया, एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, प्रोवाइड डी म्यूटेशन नीडेड फॉर इवोल्यूशन, एबिलिटी टू एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर। नाउ व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, बिकॉज ये तो पहला बार डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ थायमिन होता है, यहाँ यूरासिल होता है, और आरएनए में आपका 2OH ग्रुप होता है शुगर में, और डीएनए में नहीं होता 2OH ग्रुप, ठीक है। दस आरएनए अनस्टेबल होता है, इसलिए आरएनए वायरस कुछ वायरसेस में ही होता है जो कि म्यूटेट होकर काफ़ी जल्दी इवॉल्व हो जाते हैं। डीएनए स्ट्रैंड कम्प्लीमेंट्री होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, हीटिंग करने में वो सेपरेट हो जाते हैं, फिर से एप्रोप्रिएट कंडीशन में वापस आ जाएंगे। प्लस हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में देखा कि डीएनए का प्रॉपर्टीज हीट किल बैक्टीरिया में भी था, मतलब बैक्टीरिया मर गया पर डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो डीएनए स्टेबल है, ये समझा रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज स्टेबल, इतना इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। सो स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए डीएनए इज बेटर ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, बट ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आरएनए बेटर है, क्योंकि आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन कहते हैं उसको, हम पढ़ेंगे थोड़ा बाद में डिटेल्स में, ठीक है। एंड हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, सो डीएनए इज डिपेंडेंट और आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए से ही आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन, सो डीएनए से प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, सो डीएनए डिपेंडेंट है प्रोटीन के लिए, और डीएनए से जो आपका आरएनए बनता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस को, और आरएनए से अगर डीएनए बन गया तो उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आपका एचआईवी वायरस दिखाता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा के रखा हुआ है, और फिर जाके ये आरएनए से आपका बनता है प्रोटीन, और उसी स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। सो सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, इट वॉज प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक साहब ने प्रपोज किया, इन्होंने बोला कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगा आपका डीएनए से आरएनए
मैसेंजर आरएनए बनेगा कि भाई डीएनए क्या के लिए खबर भेजा है, और वो मैसेंजर आरएनए से जो भी डीएनए खबर भेजा आपका प्रोटीन बन जाएगा और प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा अपने आप को कैरेक्टर के फॉर्म में। सो यही इन्होंने बोला क्रिक साहब ने कि जेनेटिक मटेरियल्स फ्लो करेगा आपका डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन, इसी को इन्होंने बोला सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है कि डीएनए से आपका आरएनए होगा, आरएनए से आपका प्रोटीन। ठीक है बट इन सम वायरसेस जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज वायरस का तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है तो वहाँ में आरएनए से वो डीएनए बना लेते हैं होस्ट के सेल में जाके, उसी स्टेप को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है सो सेंट्रल डॉग्मा मतलब फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन आपका डीएनए से आरएनए और बाद में आरएनए से प्रोटीन, क्लियर है। सो हो गया भाई ये भी आराम से, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका डीएनए रेप्लिकेशन से। ऑलराइट कोई क्वेरी हो तो बताना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।